के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। मंगलवार 30 अप्रैल को अहमदाबाद में हुई बैठक में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया। बीसीसीआई सचिव जय शाह और मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर दोपहर होटल पहुंचे थे। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ दिल्ली में भी अग्रकर ने मुलाकात की थी। आईसीसीआई टी20 विश्व कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में 1 से 29 जून तक खेला जाना है। इंडियन प्रीमियर लीग में कार एक्सीडेंट के बाद वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने जोरदार प्रदर्शन के दम पर टी20 विश्व कप का टिकट हासिल किया। चयनकर्ताओं ने उनको प्रमुख विकेटकीपर के तौर पर टीम में जगह दी है। संजू सैमसन दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। इन दोनों क्रिकेटरों को रिजर्व प्लेयर में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज खलील अहमद और आवेश खान भी रिजर्व प्लेयर के लिस्ट में शामिल हैं। चारों रिजर्व प्लेयर वेस्ट इंडीज और अमेरिका दौरे पर भारतीय टीम के साथ रहेंगे। चयनकर्ताओं ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर भरोसा बरकरार रखा है। पांड्या को टीम पर उप कप्तान बरकरार रखा गया है। हार्दिक पांड्या के अलावा टीम में शिवम दुबे भी पेस ऑलराउंडर के तौर पर चुने गए हैं। स्पिन ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को भी जगह दी गई है। टीम में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। तो वहीं रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान को टीम में रखा गया है। चयनकर्ताओं ने विराट कोहली के चयन पर संशय भी खत्म कर दिया है। आईपीएल 2024 के दौरान विराट कोहली की इस बात के लिए आलोचना हो रही थी कि उनका स्ट्राइक रेट कम रहता है, लेकिन चयनकर्ताओं ने कोहली को टीम में बरकरार रखा है। वहीं भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर उम्मीद के मुताबिक रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के इर्द गिर्द ही घूमेगा।